हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव बुक है तो उसका हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये इसका पहला एक्सरसाइज है जिसमें कि हमने 91% 90% कंप्लीट कर लिया था, उससे ये आगे है। तो अगर आप वो नहीं देखे होंगे तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है। देखो, मैंने बताया था कि चाहे वो फाउंटेन पेन का मीन्स सही से काम नहीं कर पाना, इंक उसका बाहर निकल जाना, यानी तो एस्ट्रोनॉट जो होता है उसका एक स्पेशल कपड़ा पहनना, ये सब मुख्य कारण किसका होता है, वायु दाब का कम होना। ठीक ना, तो क्या होता है, क्योंकि वायु दाब कम होता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इस सब टाइप का कोई भी प्रश्न हो तो आप उसमें क्या मारोगे, वायुमंडलीय दाब कम होना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर है साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। देखो, वायुमंडलीय दाब से अगर कम होगा तो वो बैलून फूलेगा ही नहीं, हमेशा वो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा। ठीक ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी या जो भी बन जा रहा होता है ना उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी सही है। नेक्स्ट है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट, मीन्स आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इस प्रकार से, बैरोमीटर में या वायुदाब मापी में अचानक से अगर गिरावट आ जाए रीडिंग में तो ये किसका संकेत है, तो क्या होगा, आंधी तूफान आने का संभावना होता है, आंधी तूफान आने का संभावना। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा। देखो, अगर सबसे अधिक वो ऊंचा जाएगा तो वो पहले तो वो फट जाएगा। ठीक ना, और वो फटेगा क्यों, क्योंकि उसका जो वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है वो धरती के निचले सतह पे सबसे अधिक होता है, और ऊपर जाने पे उसका वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है और ये बैलून क्या होता है, फूलना शुरू हो जाता है, और अधिक फूलते फूलते वो क्या होता है, फट जाता है। तो गुब्बारे के आयाम में या अमाप में वृद्धि होती है, उसके साइज में क्या होता है, वृद्धि होता है, और धीरे धीरे ये पतला होते होते वो फट जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। फिर वही आपको लगाना है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। फिर जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाते हैं तो नलिका में पारा गिर जाता है क्यों, इसमें भी क्या होगा, वायुमंडलीय दाब का कम हो जाना, क्योंकि वो वायुमंडलीय प्रेशर के कारण ही उसका जो 14 का वो रेटिंग होता है वो ऊपर उठा रहता है। आंसर हमारा होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौर्ग मार्ग पर दौड़ाया जाता है, ये दौड़ाने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि काड़ी काड़ी वायु दाब बढ़ाने के लिए, ताकि वो सही से मीन्स उसका दाब बढ़ सके और वो उड़ सके। आंसर क्या हो जाएगा, पी। फिर हाइड्रोजन से भरा हुआ रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फट जाता है, क्योंकि वायु दाब घट जाता है। ठीक ना, अगर यहीं पर रहता कि बैलून के अंदर का, तब उसका टेम्परेचर मीन्स वायु दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे बस ये लिखा है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, वायु दाब का घट जाना। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, तो अभी हम पढ़े थे, क्योंकि वहाँ पे पानी का क्वथनांक क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण क्या होता है, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय संलयन, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है पर पूछा जाता है। फिर सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन से ही, सेम प्रश्न। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है, फिर वही प्रश्न आ गया, नाभिकीय संलयन, इसको नहीं भूलना है। सूर्य में क्या होता है, सूर्य या किसी भी तारे में जो होता है वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक ना, फिर जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है, मीन्स किसके कारण वो धंस जाता है, तो वो भी क्या होता है, स्थितिज के कारण, उसका पोजिशन जैसा होता है उसके कारण वो वैसा होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो इसमें से देखो, चलती हुई गोली में भी क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा ये होता है कि जब कैरम बोर्ड में किसी स्ट्राइकर को अपने मारा तो वो क्या होता है, उसमें स्पीड के कारण जो उसमें एनर्जी आ जाता है वो अगर किसी से टकराएगा तो वो उसको भी आगे तक धकेल देगा, तो वही होता है गतिज ऊर्जा। ठीक ना,
और फिर पोजीशन ऊर्जा क्या होता है, जैसे आप गुलेल में किसी को खींच के रखे हो, मीन्स उसमें एक एनर्जी रिस्टोर हो गया है, अगर आप उसको छोड़ोगे तो वो आगे बढ़ेगा। तो इसको मीन्स क्या हो गया, उस स्थिति के कारण वो जो ऊर्जा हुआ वो होता है स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा होता है गति के कारण जो ऊर्जा आए, ठीक ना। तो चलती हुई गोली स्पीड के कारण उसमें एनर्जी आ रहा है, हथौड़ा, फिर बता हुआ पानी, ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। बस खींचा हुआ धनुष क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी। नेक्स्ट है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगा, ठीक है, दोगुनी तो ये चौगुनी हो जाएगा। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होता है क्योंकि क्योंकि वो क्या होता है, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति क्या करता है, गुरुत्व के विरुद्ध काम करता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि दर्भ का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ये कहा था ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का नियम। आंसर हमारा ये सही है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है। इसका क्या होता है, केंद्रा पसारी बल, इनसे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़े होंगे, तो होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक ना। नेक्स्ट है, वित्तीय सड़क पर बंकन या बैंकिंग, बैंकिंग मीन्स होता है किनारा, मीन्स बैंक मीन्स किनारा होता है, किनारा, तो करने का उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है, केंद्राभिसारी बल प्रदान करना, ताकि जैसे अगर वाहन चलाते समय अगर टेढ़ा भी हो जाए तो वो कम बल लगे और गिरे नहीं, ठीक ना। तो इसके कारण वो क्या होता है, मीन्स साइड से वो किनारा उगा के दिया जाता है। फिर साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार से बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा, ठीक ना। गुरुत्व केंद्र क्या होगा, आधार के अंदर बना रहे, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्या होगा, साइकिल से गिर जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या हो जाता है, अंदर की ओर झुकता है, क्या होता है, अंदर की ओर झुकता है। आंसर हमारा हो जाएगा, बी। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये होता है अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट है, जब पानी की बाल्टीन काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाए, ऊर्ध्वाधर होता है इस टाइप से घुमाया जाए, तो पानी बाल्टी के उच्चतम स्थिति पे भी, मीन्स अगर यहाँ पे भी आ जाए, आप यहाँ से मान लो घुमा रहे हो ऐसे, तो अगर यहाँ पे भी आ जाता है तो वो नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि इस पॉइंट से क्या होता है, इस पर एक बल लग रहा होता है जो नहीं गिरने देता है। तो अपकेंद्र बल पानी से वजन से अधिक होता है, ठीक ना, इसके कारण वो नहीं गिरने देता है। अगर ये बल, अपकेंद्री बल कम हो जाएगा पानी के वजन से, तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। आप धीरे धीरे घुमाओगे तो क्या होगा, पानी गिर जाएगा। जितना तेजी से घुमाओगे वो पानी नहीं गिरने का, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है, मीन्स वॉशिंग मशीन जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस पे काम करता है, अपकेंद्रण, अपकेंद्री बल पे, पढ़ चुके हैं ये। फिर सरोता या चिमटा निम्न में से किस प्रकार का उत्तोलक से संबंधित है, ये द्वितीय, सरोता क्या है, द्वितीय, और चिमटा क्या है, तृतीय, ठीक ना, सरोता द्वितीय और चिमटा तृतीय। आंसर हमारा होगा सी। पृथ्वी तल का पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग होता है मीन्स ऐसा वेग, ऐसा वेग स्पीड जिस पे गुरुत्व बल काम नहीं करे, ठीक ना, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ लिया क्या होता है, मीन्स ऐसा वेग, जैसे हम लोग किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, कुछ देर के बाद वो नीचे गिर जाता है। क्यों गिरता है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम किया। लेकिन अगर आप इस स्पीड से फेंकोगे तो वो बॉल क्या होगा, ऊपर चला ही जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी तल पर किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया गया कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो सेम प्रश्न है, क्योंकि उसको पलायन वेग से छोड़ना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, आवर भी दिया गया है तो वो आपको नहीं टिक लगाना है, ठीक ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। फिर भू स्थिर उपग्रह मीन्स जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो होता है का आवर्तकाल क्या होता है, तो वो होता है 24 घंटा मून के साथ ही वो मूव करता है। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या हो जाएगा, देखो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आंसर हमारा होगा, बी। फिर किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार
कब अधिकतम मालूम होगा? जब वो बहुत फास्ट से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है ना, तो समान वेग से नहीं, त्वरित गति से ऊपर जाएगा, त्वरित गति से ऊपर जाएगा, तो सबसे अधिक होगा। सबसे कम कब होगा? जब वो त्वरित गति से नीचे आएगा। और जब अगर एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि अगर आप लिफ्ट में जा रहे हो, अचानक रस्सी टूट गया, ठीक है ना, तब जो गिरता है तो उस टाइम आदमी का वजन कितना होगा, तो वो जीरो होता है, आदमी का वजन जीरो होता है, ये याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। आंसर क्या होगा हमारा भी? बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल में उसी कक्ष में घूमती रहेगी। जैसे मान लो उसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उपग्रह कोई भी ऐसा होता है सैटेलाइट जहाँ पे मून और उसके आसपास वो घूमता रहता है, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा है। तो अगर वहाँ से कुछ उसका पार्ट भी कुछ अलग हो रहा है, तो वो क्या होगा, उसी साइड में घूमता रहेगा। तो यही आपसे प्रश्न पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होगी। उसका क्या है, प्रत्यक्ष भार जो है वास्तविक भार से कम है, जितना उसका वजन है उससे वो कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, त्वरित के साथ वो नीचे जा रहा है, त्वरण के साथ नीचे जा रहा है। देखो समान गति से नीचे या ऊपर जाएगा तो वजन सेम रहेगा, इसीलिए त्वरित गति आपको लगाना है। आंसर हमारा होगा बी। फिर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? तो ये होता है 36,000 किलोमीटर, मीन्स जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो होता है जिसका आवर्तकाल हमने पढ़ा है 24 आवर होता है, उसका हाइट क्या होगा, 36,000 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अभी नया नया में, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। जब भी ऐसा हो तो आप क्या करोगे, उसका वायुदाब कम होना, पर्वत पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, बॉल अधिक उछलता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8, ठीक ना, न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो वो क्या होता है, 1/6, 1/6। इसीलिए कहा जाता है कि धरती पे किसी चीज़ का भार अगर 60 kg है तो मून पे क्या हो जाएगा, 60 × 1/6, ठीक ना, ये कट गया 10, तो मून पे कितना होगा, 10 kg का होगा। 10 feet के अपोजिट अगर मून पे 10 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 60 होगा। प्रश्न आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, 60 यहाँ है तो 60 वहाँ भी रहेगा। फिर लोलक की आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? तो उसके लंबाई पे डिपेंड करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, लोलक गाड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो गर्मी में क्या होता है, वो थोड़ा लंबा हो जाता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। और हमने क्या पढ़ा, आवर्तकाल किस पे डिपेंड करता है, उसकी लंबाई पे, तो उसका दोलन में लगा हुआ समय भी क्या होता है, बढ़ जाता है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? देखो लंबाई दुगुना कर दिया तो झूलने का समय भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, दुगुना, 4 गुना रहेगा तो 2 गुना, ठीक ना, ऐसा करना है आपको, याद रखना है, घटेगा तो कभी नहीं, ये आप आसानी से इलिमिनेट कर सकते हो। फिर साधारण घड़ियाँ गर्मियों में धीरे चलती है, क्यों चलती है, क्योंकि उसका लोलक जो होता है वो लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और आवर्तकाल क्या होता है, घट जाना होता है, ये नहीं होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और आवर्तकाल क्या होता है, कम हो जाता है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, एक कण का द्रव्यमान एम है और संवेग क्या है, पी है, तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, p² / 2m, आंसर होगा डी। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है प्रत्यास्थता से, प्रत्यास्थता, आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों फैलता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, जल से कम होता है, तेल का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है, जल से कम होता है, इसीलिए उसके ऊपर वो फैल जाता है, आंसर होगा डी। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का वो भी मुख्य कारण वही है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, उसमें भी क्या होता है, पृष्ठ तनाव, मीन सतही तनाव के कारण, सरफेस टेंशन इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने और न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस गुण के कारण होता है, पृष्ठ तनाव। यहाँ पे एक प्रश्न और आता है आपसे कि कोई मीन्स द्रव जो है
किस शेप में सबसे अधिक डेंसिटी होगा, मीन्स कम जगह लेगा। ये हमेशा राउंड शेप जो होता है वो सबसे कम जगह लेता है, ठीक ना, ये आप याद रखोगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उससे क्या होता है, मिट्टी का तेल डालोगे तो हमने ऊपर पढ़ा है कि इसका क्या होता है, सरफेस टेंशन पानी से कम होता है और एक पानी का ऊपर लेयर बन जाता है उसका, जिससे लावा को सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है और वो मर जाता है। आंसर होगा हमारा सी। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं सयानता के कारण, किसके कारण, सयानता के कारण, कैपिलरिटी, सॉरी यहाँ पे चिपकना था, मैंने ध्यान नहीं दिया, चिपकता है पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सयानता होता है जैसे आप मोमबत्ती, मीन्स मोमबत्ती तो नहीं बोल सकते हैं, जैसे लालटेन या लैंप में मट्टी तेल नीचे है और ये ऊपर तक पहुँच पाता है, या आप नींब से लिख रहे हो कहीं पर तो इंक का वहाँ तक पहुँच पाना, वो होता है सयानता, कैपिलरिटी। नेक्स्ट है हमारा, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगा, तो उसके हाथ में ही गिरेगा, ठीक ना, उसके हाथ में गिरेगा। फिर सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है, तो वो भी क्या होता है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। देखो पृष्ठ तनाव सुई के भार से अगर अधिक होगा तो वो तैरेगा, लेकिन अगर पृष्ठ तनाव का जो वैल्यू होता है वो अगर सुई के से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो हमारा होगा यहाँ पे ए। फिर कर्पूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, इसमें होगा पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, आंसर हमारा होगा ए। नेक्स्ट है, जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, फिर वही प्रश्न है, वो क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, आंसर होगा हमारा बी। फिर साबुन को जल में घोलने पर क्या होता है, तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है ना, घट जाता है, इसीलिए क्या होता है, कपड़ा साफ हो जाता है, क्योंकि जो भी कपड़े के छेद तक होते हैं वहाँ पानी पहुँच पाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, ठीक ना। ये भी पूछा जाएगा कि पानी को गर्म करने से क्या होता है, तो उससे भी क्या होता है, पृष्ठ तनाव उसका घट जाता है, क्योंकि अब ठंडे पानी को अगर गिराओ नीचे तो गोला अच्छा से बनेगा, और अगर गर्म पानी को गिराओगे तो फैल जाता है, गोला नहीं बन पाएगा, ठीक ना। तो इसे आप पता कर सकते हो कि इसका सरफेस टेंशन क्या है, कम है। नेक्स्ट है, सांप तक कमरे की छत पर निकट लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों लगाया जाता है? सांप तक मीन्स होगा वेंटिलेशन, ऊपर में जो छेद छोड़ा जाता है घर में, तो वो क्या होता है, सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और वो क्या होता है, बाहर चली जाती है। यहाँ से आप एक चीज़ और समझो कि ठंडा हवा जो होता है उसका वजन अधिक होता है गर्म की अपेक्षा, ठीक ना, गर्म वजन क्या होता है, हल्का होता है और वो ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कथन दिया गया है, आर्कमिडीज सॉरी अपमार्जक मैले कपड़े से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल लेते हैं, सही है, वो निकाल लेता है, और फिर अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, नहीं, अगर बढ़ा देगा तो फिर वो नहीं निकल पाएगा, कभी भी साफ करने के लिए पृष्ठ तनाव का कम होना जरूरी है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते हैं? तो काफ़ी सरल आंसर है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले सतह की ऊंचाई क्या होगी? वो क्या होगी, आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, जितना पतला होगा उतना अच्छे से जाएगा। फिर है सयानता की इकाई है, ये होता है पॉइस, ये पूछा जाता है बहुत बार, ठीक ना, सयानता की इकाई क्या है, कैपिलरिटी की, पॉइस। नेक्स्ट है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस तलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई, तो क्या होगा, कम जिसका व्यास होगा वो अधिक ऊपर जाएगा और अधिक व्यास वाला क्या होगा, वो नीचे तक रहेगा। तो क्या है, कम व्यास वाली केस नली अधिक होगी, ठीक है ना, आंसर हमारा होगा सी। फिर है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है तो क्या होता है, कैपिलरी। आपको इंग्लिश में भी मिल सकता है कैपिलरी, ठीक ना, इंग्लिश टर्म है, और सयानता भी मिल सकता है, तो जो आपको मीन्स ऑप्शन मिले याद रखना, कैपिलरी क्रिया के कारण, आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये करता है आर्कमिडीज के सिद्धांत पे, आर्कमिडीज के सिद्धांत पे, आंसर होगा बी। आर्कमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह उत्प्लावन या प्लावन का नियम, उत्प्लावन का नियम, आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर निर्भर करता है, यह कथन भी किसका, यह सिद्धांत? तो ये भी है आर्कमिडीज का सिद्धांत, आर्कमिडीज का सिद्धांत, आंसर होगा बी।
फिर उत्प्लावनता से संबंधित वही आर्किमिडीज, उत्प्लावन से रिलेटेड कोई भी टर्म आए तो वो आर्किमिडीज। नेक्स्ट है द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो वो डिपेंड करता है ठोस द्वारा हटाए गए, मीन्स ठोस का मतलब जो उसमें हम पानी में डाल रहे हैं, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। वो जितना हटाएगा उत्प्लावन बल उतना काम करेगा, मीन्स क्षेत्रफल पे काम करता है, ठीक ना। अगर आप लोहे की प्लेट इतनी बड़ी डाल दो और ये फिर इतनी बड़ी डाल दो, तो कौन अधिक काम करेगा, कौन अधिक हटाएगा, ये अधिक हटाएगा, उत्प्लावन बल इसमें अधिक काम करेगा। नेक्स्ट है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को ना तैरने का क्या कारण है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, सही है। तो इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो जा रहा है वीडियो, और अप्रॉक्स इसमें 50 से 60 प्रश्न है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। काफ़ी लंबा एक्सरसाइज और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करके बताइए, और कुछ त्रुटि भी लग रहा हो तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, और ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये लुसेंट का बुक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।